मिसेस शर्मा है ना जो नाश्ता बनाकर भेजती है, है ना की पुरानी पड़ोसी? वही हूँ। क्या ये मिसेस शर्मा है? नहीं तो क्या? नहीं, अगर इसे पता चल गया तो ये मुझे पागल बना देगा। मैम, हम आपका बहुत बड़ा फैन है। जब आप यहाँ पर रहता था तो मेरी मॉम आपसे नाश्ता खरीदता था, वो भी हर दिन। सच्ची? क्या नाश्ता था? ओ, तो क्या आप नाश्ता नहीं बेचती? हाँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मुझे बहुत काम करने होते हैं, मेरे बेटे का भी ख्याल रखना पड़ता है। हाय, एक मिनट, आपके तो 12 बच्चे थे ना? ये वाला 13वां है, सबसे छोटा, बाकी तो सभी कॉलेज चले गए। ओ बेटा, दादाजी से हाथ मिलाओ। मिलकर खुशी हुई। आजकल के बच्चे बिना इन्हें जरा भी तमीज नहीं है। कोई बात नहीं मिसेस शर्मा, तो बताइए क्या ऑर्डर है आपका? क्या मुझे एक बॉक्स कोको कैंस मिल सकता है? मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, हाल सिर्फ 3 ही कैंस बचे हैं। 3 भी चलेंगे। इसको अचानक क्या हो गया? कभी कभी इसे दौरे पड़ते हैं। शायद इसका तबीयत ठीक नहीं है, पूरा हरा हो गया ये। ये लीजिए। थैंक यू। ये तो रोबोट का आर्म है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे प्रोस्थेटिक आर्म लगवाना पड़ा। आजकल चीजें कितनी बदल गई हैं। दादूलाल, मैंने आपके स्पेशल हॉट चॉकलेट को बहुत मिस किया, मुझे 2 कप मिल सकते हैं प्लीज? 3 दीजिए दादूलाल। लाता हूँ। वो रही रेसिपी की किताब, तैयार हो जा प्रो। सब्र करिए बॉस। सब्र किसके लिए? पहले एक ड्रिंक हो जाए। अच्छी बात है। हाँ, ये तो अडूडू और प्रोब है। अडूडू कहाँ है? हे, अभी तुमने क्या लिया? हे, दादूलाल का सीक्रेट बुक। कोई नहीं लेगा, वरना मैं इस दादूलाल को शूट कर दूंगा। इस किताब से मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। हे, ये तो अडूडू की आवाज है। चलो बाबू भाई। तुम्हारी यहाँ फिर से आने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ वरना पछताओगे।